भूख लगी है। मम्मी जल्दी करो ना। मम्मी जल्दी करो ना। मम्मी प्लीज। मम्मी प्लीज। अरे तुझे वही बोलना जरूरी है जो मैं बोलती हूँ? तुझे वही बोलना जरूरी है जो मैं बोलने वाला? देख जगह बच्चे, मुझसे झगड़ा मत कर, वरना वरना क्या? वरना मार मार के बंदर बना दूंगी। नहीं नहीं जिया, उंगली मत दिखाना, उंगली मत दिखाना जिया, कहीं बंदर न बन जाए प्लीज। उंगली दिखाने से कोई बंदर बनता है क्या? बेटा तुम नहीं समझोगे, ये लो अपना टिफिन और ये लो अपना पराठा, चलो स्कूल बस आती होगी। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय बंदरिया। बाय नानी। हाय 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 हाय। नहीं बाय, जय बाय बोल करके आए और अब मैं भी बोल रही हूँ बाय। हाय हाय। क्या बात है मामा, आज आप बाय को हाय क्यों कह रही है? हाँ बेटा, आज मैं कुछ भी बोलूँ ना मेरे मुंह से तो बस हाय ही निकलेगा। क्यों क्या? मेरा पेट। हाँ तो है ही अपनी जगह। अरे यही तो प्रॉब्लम है, मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। मामा मामा क्या हुआ? पता नहीं, कल रात मैंने कुछ खाया भी तो नहीं। पेट खाली है तो दर्द करेगा ही ना। झूठ। तीन तीन पराठे, पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा बना है क्या? नहीं, इन्होंने कल रात को खाया था। तभी तो आपका पेट दर्द कर रहा है। ये क्या है मामा, जब देखो उल्टा सीधा खाती रहती है। अच्छा मामा, नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, अरे खाऊंगी। नाश्ते में क्या बना है? गोभी के पराठे। हाय हाय मामा, बहुत दर्द कर रहा है क्या? हाँ हाँ बहुत दर्द कर रहा है, मुझे लगता है ना भूख के मारे दर्द कर रहा है। मैं दो तीन गोभी के पराठे खा लूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्यों जी? बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए लेटिए, आज आपको सिर्फ खिचड़ी मिलेगी। खिचड़ी? मेरा पेट भी खराब है कि मैं खिचड़ी खाऊंगी? हाय 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 हाय। नानी अब आप ये क्लासिकल गाना बंद करो और जाओ जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ। हाँ मामा जी, ठीक कह दिया, जाइए डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैं जाकर क्यों दिखाऊंगी, डॉक्टर को यहीं नहीं बुला लूंगी। डॉक्टर आ जा। यहाँ पर कैसे पहुँच गया? वो मैं बाद में बताऊंगी, पर ये तो बता मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ऊपर मेरी भैंस के पेट में दर्द है। अपनी भैंस के पेट में इंजेक्शन लगा रहा था, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तुम जानवरों का डॉक्टर है? आप प्रॉब्लम होगी तुझे। मैं दूसरा डॉक्टर बुला लेती हूँ। अरे मम्मा कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर तो हमारे घर पे है। कौन? नानी पापा डॉक्टर हैं। वो नीम हकीम खतरा है जान, बताने किसने उसे डॉक्टर बना दिया? सारा दिन अपनी क्लिनिक में मक्खियां मारने बैठता है, एक भी मरीज नहीं होता उसके पास। मामा जाके दिखा दीजिए, पैसे भी नहीं लगेंगे। अच्छा हाँ नानी जाकर दिखा दो ना। उसे यही बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं मम्मा, आप खुद जाके दिखाइए। जाइए। मम्मा जाती। नानी यूं ही जाएंगी आप इस गाँव में? नहा तो लो। परी होने का यही तो फायदा है, पानी ना भी आए तब हम नहा सकते। मैं अभी आती हूँ। सांस लीजिएगा। वेरी गुड। अब जरा मैं आपकी नाक चेक करता हूँ। दुनिया में मेरी बेटी की आंख। सासु माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि यहाँ इस तरह प्रकट मत होइएगा? आप देख नहीं रहे थे मैं पेशेंट की नाक चेक कर रहा हूँ? तुम यहाँ औरतों के नाक देखने के बहाने उनकी आंखों की तारीफ करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पेट में बहुत दर्द है, जरा देखो। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों के पेट में क्या, हाथ पैर नाक सर सब कुछ दर्द करना चाहिए? नहीं चेक करूंगा, जाइए। नहीं नहीं बेटा देख लो ना, इस वक्त मेरे लिए पेशेंट्स की नाक इम्पोर्टेंट है। पर मेरा पेट। मैंने कहा ना नाक इम्पोर्टेंट है, पेट नहीं। आप प्लीज बाहर बैठिए, अपना नंबर लीजिए और अकॉर्डिंगली आइए। तुम इस वक्त इसलिए भाव खा रहे हो कि तुम एक डॉक्टर हो? क्यों? परी तो आप भी है, आप सब कुछ ठीक कर सकती हो, तो अपना पेट क्यों नहीं ठीक कर लेती? यही तो नहीं कर सकती। ओ यही नहीं कर सकती, तो वेरी गुड, तो फिर आप अपना नंबर लीजिए, बाहर बैठिए और अकॉर्डिंगली आइए। लेकिन बाहर तो कोई है ही नहीं। आएंगे, सभी लोग आएंगे, मैंने पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट दी है और आपका नंबर आएगा लास्ट। नंबर तो अब मैं तुम्हारा लगाऊंगी दामाद जी। तुम आज तक सबकी नाक देखते रहे ना, आज के बाद सब तुम्हारी नाक देखेंगे। क्यों?
क्या हुआ मेरी नाक को? हुआ नहीं है, होगा। क्या होगा? तुमने उसे झूठ बोला ना कि तुम बिजी हो, अब तुम जब जब झूठ बोलोगे तुम्हारी नाक लंबी होती जाएगी। क्या? हाँ, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, इसने नहीं दिया मुझे मेडिसिन का डोज, ये जब जब झूठ बोलेगा लंबी होती जाएगी इसकी नोज। कहाँ गई नोज? ठीक तो है ये, क्या क्या कह गई? जब भी मैं झूठ बोलूंगा मेरी नाक लंबी होती जाएगी। सर, वो ओल्ड पेशेंट चावला अपना चेकअप करवाने आए हैं। अब उसकी चेकअप क्या करना, एक डेढ़ महीने में भगवान खुद उसकी चेकअप कर लेगा। डॉक्टर साहब, अब मेरी तबीयत कैसी है, आप मेरा चेकअप करवा लेना। चावला साहब, बस आप एक डेढ़ महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ। क्या? हाँ। और पाल लंबे आपके पास सासू माँ है? नहीं, भी। लकी मैन, समझा नहीं, समझोगे भी नहीं। राधा राधा, राधा राधा राधा, क्या है राधा राधा? अरे ये राधा राधा कह के तुम आधा क्यों हो रहे हो? राधा, मेरी ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बेहद पसंद है? सब कुछ जानना। मतलब सब कुछ पसंद है? नहीं, एक ऐसी खास चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारे बाल? नहीं नहीं, मैं बाल की बात नहीं कर रहा, चेहरे पे एक ऐसी खास चीज जिसकी तारीफ करते करते तुम कभी नहीं थकती। तुम्हारे होंठ? थोड़ा सा ऊपर। आंखें? थोड़ा सा नीचे। नाक? वो चीज जो तुम सबसे ज्यादा पसंद करती थी ना। ठीक है, मतलब अब कट गई है क्या? कटी नहीं, बढ़ गई है, ये देखो। So cute. क्यूट? तुम्हें ये क्यूट लगता है? लेकिन दामाद जी, ये हुआ कैसे? अरे हाँ, ये हुआ कैसे? ये मेरे यूनिवर्स के सबसे बड़े दुश्मन ने किया है मेरे साथ। मम्मा, आप गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? मेरी नाक जो इतनी लंबी कर दी, गलत नहीं किया? मम्मा, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? तुम तो जानती हो मंत्र पढ़ के। मेरे कहने का मतलब आपने ऐसा क्यों किया? ये पूछो अपने झूठे पति से। मैंने तो इसे बस झूठ बोलने की सजा दी है, ये जब जब झूठ बोलेगा इसकी नाक लंबी होती जाएगी। पर मम्मा आपने, और इसमें हर्ज क्या है? या तो ये झूठ बोलना छोड़ देगा या झूठ की सजा पाएगा, एंड आई थिंक दैट इज फेयर इनफ। एक्चुअली यस। राधा तुम भी, देखो राधा अपनी माँ से कह दो कि मेरा जादू वापस कर ले। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। देखा राधा, देखा राधा, अब तुम घबराते क्यों? तुम झूठ बोलना बंद करो बस। देखो राधा, अगर तुम्हारी मां नहीं करना चाहती ना तो तुम कर दो, कुछ मंत्र पढ़ लो, श्रिंग ब्रिंग कर दो, डोज इसका डोज। श्राप? नो 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 नो, ये ठीक करने से पहले पूछ तो लो मैंने इसे श्राप क्यों दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने क्लिनिक में एक औरत की नाक में टॉर्च मार रहा था और उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, क्या आंखें हैं, क्यों? झूठ झूठ, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया। अब ये नहीं बच सकता, इंसान की औलाद। एक्चुअली राधा क्या है, झूठे हो तुम, और जब मुझे पहले मालूम होता कि तुम इतना झूठ बोलते हो तो अपनी मम्मी की बात मानकर किसी और से शादी कर लेती। आज तक तुमने मुझे कितना झूठ बोला होगा। राधा नहीं, मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, आज इनफैक्ट मेरा पहला और आखिरी झूठ था। फिर झूठ बोला? देखो राधा, ठीक है राधा, तुम मुझसे बात मत करो, लेकिन कम से कम मेरा नाक तो ठीक करते जाओ। कैसा लग रहा है दामाद जी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राधा।